आप तो सब मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस उम्र में मैं किसके लिए कमाऊंगा? जहां तक दो वक्त की रोटी की बात है, इंतजाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि बात सिर्फ कमाई की नहीं होती, कमाई से मिलने वाली इज्जत की होती है। वैसे एक आदमी है जो इस सब में आपकी मदद कर सकता है। कौन मैडम सर? नवाब साहब, एक वही है पूरे लखनऊ में जो आपको आपकी पसंद की जगह पर फूड सेंटर खोलने में मदद कर सकते हैं। और उसमें आपको हमारा जरूरत पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि नवाब साहब को थोड़ा प्यार का भाषा समझ में जो नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करिश्मा मैडम, है ना पुष्पा जी? हाँ, लेकिन ये नवाब साहब हैं कौन? माफ कीजिएगा, नवाब साहब यहाँ के ओनर हैं। ये महिला पुलिस थाना उनकी पुश्तैनी हवेली पर बना है। थोड़े से टेढ़े हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। हमें लगता है कि उनसे इस बारे में बात करने के लिए पुष्पा जी ठीक रहेंगी, नहीं? हाँ बिल्कुल, ये कहेंगी तो जरूर मान जाएंगे। वो आपके मुरीद हैं, आपकी बात तो कभी टालेंगे नहीं, है ना पुष्पा जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इज्जत करते हैं हमारी, बहुत ही भद्र पुरुष है। कौन 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 पुरुष है? भले 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 इंसान है वो, औरत की बात का मान रखते हैं बस, और कुछ नहीं। आज से पहले कभी खुशी के बिना किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ खुशी के लिए सोचता रहा। आज अपने लिए सोच के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। आप बिल्कुल हमारे अब्बा की तरह है, उन्होंने भी आप ही की तरह जिंदगी भर परिवार का ख्याल रखने में, परिवार के लिए कमाने में बिता दी। ये बात अच्छी है, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ अपनी ही दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया उन्हें भूलने लगती है। सच बात तो ये है कि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे लिए जीना शुरू करती है, जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो दुनिया हमारे बारे में सोचना शुरू करती है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है, हम जिस टोन में सवाल करते हैं ठीक उसी टोन में हमें जवाब मिलता है। इसलिए अपने बारे में सोचना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना गलत बात नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, इसमें खुश रहना आपका हक है। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उस जज्बाती गुलामी से आजादी, जो आपको अपने बारे में कभी सोचने नहीं देती। इसलिए जो कुछ भी हुआ भूल जाइए, आप भूल जाइए आपकी बेटी ने आपके साथ क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। शायद आप सच कह रही हैं, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं, और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता खुशी के बिना किसी और खुशी की। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप जब भी अपना फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे, अपनी बेटी खुशी के नाम से खोलिएगा। इससे आपकी बेटी खुशी का नाम आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और आपका भी दिल काम में लगेगा, है ना अच्छा आइडिया? वाह क्या बात है सर, कभी कभी सुर लगता है आपका गलती से, लेकिन जब लगता है ना तो एकदम क्या बात है संतोष जी, ये बात बोल के ना एकदम आपसे शादी करने का हमारा इरादा और पक्का कर दिया। चले आइए संतु जी, चलिए चलिए संतु जी। आप आ गई, मुझे लगा ही था आप अपने पापा को लेने जरूर आएंगी। हम इन्हें लेने नहीं बल्कि इनसे कुछ और लेने आए हैं। अब क्या चाहिए, पैसे लेने आई हो? इतना बड़ा घर दे दिया, घर से बेघर कर दिया, अब किस बात का पैसा चाहिए तुमको? सिर्फ घर ही नहीं दिया इन्होंने, घर के साथ भर भर के जिल्लतें भी दे दी। घर से कॉलेज और कॉलेज से फ्रेंड सर्कल, हर जगह इनकी वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है मुझे कि ये मेरे पिता है, एक किन्नर मेरे पिता है। अच्छा तो अभी आपको जिल्लत फील हो रही है, इसी बात ने पूरी दुनिया के सामने ये कहा था कि मेरी बच्ची कितनी मासूम है, कितनी अच्छी है, उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनेंगे। वाह, लेकिन मैडम जब मैं खुशी को ऐसे देखता हूँ ना, खून खोलता है मेरे अंदर, मन करता है सब कुछ चीर दूँ, फाड़ दूँ, खून की नदियाँ बहा दूँ, शमशान बना दूँ मैं। ओ भाई साहब धीरे थोड़ा, कौन है ये नमूना? ये सोमू है, मेरा बॉयफ्रेंड, कवि है, वीर रस में कविताएं करता है। तो अपने इस वीर बहादुर साहसी कविराज बॉयफ्रेंड को बोल दो कि ये थाना है और यहाँ इस तरीके की हिंसक बातें करना कानूनी अपराध है, इसके लिए सीधा अंदर हो सकते हैं ये, इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखे और जब बोला जाए ना तभी मुंह खोले, समझ गए? खुशी तुमने मुझे बताया नहीं कि
तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, तो आपने भी कब आपके बारे में सबको सच बताया था? और रही सोमू की बात, तो मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी इसी से करूंगी। मैं भी खुशी से बहुत प्यार करता हूँ और उसका सबूत है मेरी कविता जो मैंने खुशी के लिए लिखी है। सुनिए। पूछ तो लो, सुनना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुनना है। अरे हम वीर रस कवि हैं, हम सुनाने के पहले पूछते नहीं है, सीधा सुनाते हैं। तो सुनिए। चीते जरा ड्रॉर से गोली का डिब्बा लाओ हमारा। हाँ, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, मेरा बस इतना ही था। खुशी, यू कंटिन्यू। इतनी इंसल्ट के बाद मैं तो इस शहर में बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने यूएस जाने का प्लान किया है। आगे की पढ़ाई अब मैं वहीं करूंगी, सोमू सब इंतजाम कर देगा। मुझे सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। क्या 15 लाख? ये तो काफी बड़ी रकम है बेटा, और तुम इस अजीब सी चीज पे भरोसा करती हो? आपने सबको क्या इनकी तरह धोखेबाज समझा है? सुनिए ना खुशी मैडम, बहुत हो गया आपका, कुछ नहीं मिलेगा आपको, निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, लेकिन एक बात याद रखना, और मेरी जिंदगी नर्क बन गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। चलो सो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं अभी आया। ये लो, मेरे अकाउंट में 22 लाख रुपए हैं। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, तुम इसमें से जितना चाहो निकालो, चाहो तो पूरा रख लो, तुम्हारे लिए तो है। 22 लाख? अरे 22 लाख में तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। इतने सारे जीरो को देख के ना जहन में एक शायरी आ रही है। चीते तुम गोलियां नहीं लाए अभी तक? गोली का मैडम, इसको तो तोप के आगे बांध देना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया किया। इज्जत का फजीहत तो वैसी कर चुकी है ये लड़की। आपने अपना जो जिंदगी भर आपने जो कमाया है जमा पूंजी, वो भी इसके नाम कर दिया। अरे पलट कर नहीं देखेगी आपको, बता रहे हैं, कहाँ जरूरत था पूरा पूरा जिंदगी भर का जमा पूंजी इसके हाथ करने का। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक करें, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। पुरानी कहावत है, पैसा वही जो हाथ में, ताकत वही जो पास में, और अपने वही जो साथ में। आपने अपने जज्बात गलत जगह जाया कर दिए। बुरा मत मानना, एक सवाल करता हूँ, भगवान ना करे, लेकिन अगर मेरी जगह आपके पिताजी होते वो क्या करते? संतु जी, इसको लौटे। कितनी प्यारी लग रही है ना। हमको लगता है ना ये अपने सपने में बहुत सारी शॉपिंग कर रही है। शादी कर रही है? शादी हमारे साथ? तुम्हारे साथ कर रही होती तो रो रही होती, हंस रही है, मतलब सनी के साथ शादी हो रही है। क्या बोले? कसम से बिल्लू चंपत, कभी कभार तुम पर इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि गन्ना वाली मशीन में तुमको डालकर तब तक चलाते रहना जब तक तुम्हारे सगल का झाड़ू ना बन जाए। संतु जी, क्या संतु जी, देखना क्या लिखा है, देख, do not disturb। गुड मॉर्निंग संतु जी, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। संतु जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि दूल्हा कौन था? हाँ? नहीं, आप ऐसे लेटी थी तो सपना देख रही थी ना कि सपने में आपका शादी हो रहा था? किसने कहा मैं सपना देख रही थी? नहीं तो आप ऐसे लेट कर ऐसे मंद मंद मुस्कुरा कह रही थी संतु जी। मैं विजुअलाइज कर रही थी। मैंने एक बुक में पढ़ा था पुष्पा जी कि अगर आप सच्चे दिल से पूरी शिद्दत से कुछ सोचो तो वो पूरा हो जाता है। अब गेस करो कि मैं क्या सोची थी। हम बताएं कि संतु क्या सोच रही होगी? बताओ। तुम्हारा सरकारी क्वार्टर जो है ना, उसमें जो नल टपकता है वो बंद हो गया। कॉमन वुमन मेंटेलिटी। नहीं, ये नहीं सोची थी मैं। मैं विजुअलाइज कर रही थी कि खुशी को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो हमारे थाने आ रही है गोपाल जी से माफी मांगने, रोते हुए दौड़ते हुए यहाँ भागी भागी आती है और अपने डैडी को अपना लेती है। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विजुअलाइज इतनी जल्दी? हाँ हाँ हाँ, मगर हुआ क्या? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जय मैडम सर। जय। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम तो यूएस जा रही थी ना? मैं जानती हूँ मैडम सर ये यहाँ पे क्यों आई है।
क्यों आई है? गोपाल जी से माफी मांगने। अच्छा, आपको कैसे पता? विजुअलाइज किया मैंने मैडम सर, ये टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है, तो ये माफी मांगने आई। आप माफी मांगने आए हो ना? हुँ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था सोमू, वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया। सारे? हाँ, धोखा दिया उसने मुझे, चीटिंग की मेरे साथ। हमने जाहिर किया था ना डाउट लड़के के खिलाफ, लेकिन आपने नहीं सुनी। अपने जिंदगी भर का जमा पूंजी दे दिया, अब देखिए क्या हुआ। चूरन लगा के गया हम सबको, बर्बाद कर दिया आपने अपना सब कुछ इस नालायक औलाद के पीछे। दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं, पैसे चाहिए। मुझे यूएस जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने अभी एक और आदमी को ढूंढा है जो बहुत जेन्युइन है, चाहे तो आप लोग मिलके उससे तसल्ली कर सकती हैं। वो 10 लाख रुपए लेगा और मेरा वीजा बना के देगा। मुझे इस शहर से, इनसे और इस जिल्लत भरी जिंदगी से दूर जाना है, इतनी दूर कि मैं ये भूल सकूं कि ये मेरे पिता है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलने में? इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची है तुम में? ये अपनी जमा पूंजी, जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ तुम्हें दे चुके, इनके पास बचा क्या है तुम्हें अब देने के लिए? एक मिनट गोपाल जी, अब हम बात करेंगे इसे, खुशी सुनो तुम। दो बातें हैं, पहला बात, हमारे पेशेंस का हो गया दी एंड, इसलिए अगर तुमने अपने पिताश्री का एक और बार अपमान किया ना हमारे सामने, तो हम तुम्हें वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। दूसरा बात, ये जो नौटंकी हुआ है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पैसा लेके जो भागा है, ये तुम्हारा फॉल्ट है और उसका फॉल्ट है, इसलिए अब जो इसका साइड इफेक्ट होगा ना, ये तुम ही झेलोगी। समझ गई तुम? अब इससे पहले कि हम अपना पेशेंस हमारे दिमाग से बाहर निकल जाए, तुम यहां से कट लो हमारे सामने से और खुद को हमसे बचा लो। जाओ निकलो। गोपाल जी, आप कहाँ चले गए? संतू, हाँ गोपाल जी को देखा कहीं तुमने? अंदर ही होंगे, और कहाँ जाएंगे? नहीं, अंदर नहीं है वो, पता नहीं। जीते जरा जाके देखो, बदनाम के ठिये पर है क्या वो? ठीक, हम देखते हैं। क्या हुआ पुष्पा जी? गोपाल जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे हमने चीता को भेजा है बदनाम के ठिये पे। ओके, फोन करके देखते हैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या क्या, ऐसे कैसे बिना बताए कहीं जा सकते हैं? देखा, कहा था ना मैंने, तो कुछ चल कर आएगा। दुनिया देखी है अम्मा ने, पता था यही होना है। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों कमला? अरे अम्मा, मैं बिमला हूँ, कमला तो ये है। अम्मा देखो, मैं आ तो गया हूँ, मेरी एक छोटी सी शर्त है। माँ से शर्त नहीं रखते, हक से मांगते हैं, जो मांगेगा मिलेगा। इस परिवार में स्वागत है तेरा। हेलो। हेलो संतोष बेटा। गोपाल जी, आप ठीक तो है ना? आप हो कहाँ? बेटा सुनो मेरी बात, देख ऐसे कोई करता है कि आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो ना। आपको पता है कितने बुरे ख्याल आ रहे थे यहाँ पे? आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, थाने से लेके मार्केट तक, मार्केट से लेके दूसरे थाने तक, दूसरे थाने से लेके तीसरे थाने तक, लेकिन कहीं भी आपका कुछ पता नहीं चला। आप कहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट बता दो, यहाँ पे कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। क्यों, अभी बताइए ना। लेकिन तुम सांस ले लो तो मैं कुछ बोलू ना। अब हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मदद करोगे हमारी? हाँ, तो इसमें पूछना क्या है? आप बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगी। मैं आपके नंबर पर ना एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? तुम उस एड्रेस पे आ जाओ, हम मिलके तुम्हें अपने मदद के लिए बताएंगे। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, ये राज है, राज ही रहने देना, ठीक है ना? कहाँ हो गया संतू जी? संतू जी आप नर्वस क्या कह रही हैं? मैं कहाँ नर्वस आ रही हूँ?
संतू जी, आपका हाजमा तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? तो आप पेट पर ऐसे से हाथ काहे रगड़ रही हैं संतू जी? वो मैंने खट्टा दही खा लिया था। संतू जी, तो आप चीनी मिला के खाती ना? वो बहुत ज्यादा खट्टा था। वैसे ही फोन किसका था संतू जी? कौन सा फोन? ये अच्छा, ये फोन तो पापा का था, मेरे। हाँ, पापा का था तो बोलना चाहिए था ना उनको प्रणाम। हाँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, क्या बात कर रही है संतू जी, ऐसे हालत में कैसे जाइएगा हॉस्पिटल? कहिए तो हम अभी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। नहीं ना, तो फिर हम आपके साथ चल लेते हैं ना। नहीं, आपके थाने में भी तो कोई होना चाहिए ना। तो तू यहाँ पर है, मैं डॉक्टर के पास जाकर आती हूँ। संतू जी, क्या है ना, हमारा बात सुन, संतू जी चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। संतू जी, बोल, कबूतर का कुछ पता चला क्या? चील को बोला था कबूतर का पता लगाने को, तो चील को क्या पता चला? भालू के पास इंफॉर्मेशन है, तो भालू क्या बोला? घोड़ा बताएगा। तो घोड़े को फोन करना था ना, क्या घोड़े को फोन लोमड़ी ने उठाया? ठीक है, क्या बोला? ओके, ठीक है। नहीं भाई साहब, क्या चल रहा है ये? हम कहा बोले थे तुमको, खबरी नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करो। तुम ये क्या चिड़ियाघर का मजा ले रहे हो, तोता मैना बिल्ली? नहीं मैडम, ये हमारे धंधे में सबके नाम ऐसे ही, सब हमारे खबरी ऐसे ही। सुनो, PhD नहीं करना है हमें तुम्हारे ये खबरी पर, मुद्दे पर आओ, कुछ पता चला? मैडम, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कभी फेल नहीं होता बिल्लू द स्पाई। सॉरी, पहले हमारा ही चश्मा पहनते हो, फिर उसको गिराते हो, फिर उसी में टशन दिखाते हो। तुम क्या जिंदगी से नाराजगी चल रहा है तुम्हारा? नहीं सॉरी, बोला ना मैडम। देख बिल्ला, ये चिड़ियाघर का खबर ना एकदम सही होना चाहिए, वरना ऐसा तोड़ेंगे ना तुमको कि लखनऊ का कोई डॉक्टर तुमको जोड़ नहीं पाएगा, समझ रहे हो? सर, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं गोपाल जी? तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, तो फिर ये लो। ये क्या है? इसमें 10 लाख रुपए हैं, खुशी को दे देना, ये उसके US जाने के लिए है। आप गोपाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा वही गलती कर रहे हैं। कुछ मत कहो बेटा, बस इस पैसे को खुशी तक पहुंचा दो। तो आप ये खुद क्यों नहीं दे देते? आप मेरे साथ चलिए, आप खुद दे दीजिए। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते आप? सवाल मत करो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। देखो, तुम उस दिन बोल रही थी ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे पिताजी की जैसा। अगर पिताजी समझती हो तो सवाल मत करो, इस पैसे को तुम खुशी तक पहुंचा दो। और हाँ, वादा करो तुम किसी को कुछ बताओगी नहीं, पहुंचा दोगी ना? थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ है? कहाँ है मतलब, तुम बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता? मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो अपने पैसों के बारे में पूछ रही थी। पैसे? कौन से पैसे? क्यों, आपको पिताजी का फोन नहीं आया? नहीं, मुझे तो आया था सुबह उनका फोन, बोले भिजवा रहा हूँ पूरे 10 लाख रुपए। मुझे लगा कि आप लोग मेरे पैसे लेकर आए होंगे। लगता है तुम्हारी अक्ल अब तक ठिकाने नहीं आई, कहाँ से आएंगे उनके पास इतने पैसे? मुझे क्या पता कहाँ से आएंगे पैसे, जैसा बाबा ने मुझे बोला था मैंने आपको बता दिया। अगर बाबा ने इनके जरिए पैसे नहीं भेजे तो कौन पैसे लेकर आने वाला होगा? पैसा पैसा पैसा, हद होती है बेशर्मी की। वो आदमी जिसने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया, अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई तुम्हारी खुशियों के लिए खर्च कर दी, वो आदमी कहाँ है, कैसा है, जिंदा भी है या मर गया, ये पूछने के बजाय तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। क्या मतलब कहाँ है? सुबह आप लोगों के साथ ही तो थे थाने में। थे, लेकिन अब नहीं, बिना बताए कहीं जा चुके हैं। हमें लगा शायद तुम्हें अपने किए पर थोड़ा बहुत पछतावा हुआ होगा और तुम अपने पिता को घर ले आई होगी, लेकिन अफसोस तुम वही इनसेंसिटिव और सेल्फिश लड़की हो
जिसको अपने ही पिता के जज्बातों की कोई कदर नहीं। शायद तुम्हारे पिताजी ने अपनी असलियत छुपाकर गलती की, लेकिन तुम्हें गोद लेकर उससे बड़ी गलती की। चलिए पुष्पा जी। कहाँ फंसा दिया गोपाल जी ने? झूठ बोलने बोल रहे हैं वो भी उनके सामने, जो दो सेकंड में पकड़ लेंगे मुझे। तो वादा भी किया तो मदद तो करनी पड़ेगी। ये खुशी कौन से पैसों की बात कर रही थी? इसकी बातों से तो यही लग रहा है मैडम सर कि गोपाल जी फिर से इसकी बातों में आ गए हैं और उसके लिए 10 लाख का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया उन्होंने। वो ठीक है, लेकिन कहाँ से करेंगे वो इंतजाम? उनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। वो सारे पैसे अपना सब कुछ उस लड़की को दे चुके हैं। उसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जहाँ से वो इतनी जल्दी इतने पैसे अरेंज कर दें। तो फिर कैसे उन्होंने? लेकिन मैडम सर अगर संतू कहाँ कहाँ? वहाँ वहाँ। अच्छा वहाँ कहाँ? खाने थाने? खाने खाने हवा खाने। ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे खाता है कोई हवा? तो हवा को थोड़ी ना पता है कि मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बैग लिए हुए हूँ और चोरी चोरी हवा खा रही हूँ। तो आ रही हूँ तो मैं खा रही हूँ। बैग में क्या है? मेकअप का सामान है। ये झूठ बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। देखिए ना कैसे पेट पकड़ कर बोल रही है। क्या छुपा रही हो बताओ? क्या है बैग में? बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। किसको? आपको। दे दो। बैग छोड़ो संतू। ये तो काफी पैसे है मैडम सर। ये पैसे गोपाल जी ने दिए ना तुम्हें? हाँ या ना, मैं सर तो हिला सकती हूँ, इसमें तो कोई प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ये पैसे गोपाल जी ने दिए हैं खुशी को देने के लिए। कहाँ से आए ये पैसे? देखो संतू, किसी की भलाई के लिए कोई अगर वादा तोड़ना पड़े ना तो वो गलत नहीं होता। हाँ। तो अब बताओ कहाँ मिले तुम्हें गोपाल जी? चार पाक स्टेशन में मिले थे, वहीं पे उन्होंने बुलाया था मुझे और उनके साथ कमला और विमला भी थे। अम्मा जी